15 वुमेन्स थी, 15, उनके बारे में क्या क्या था पढ़ लिया था, नोट्स मिल गए थे, हैं सब लोगों पे? आप लोगों पे नहीं है, एडमिशन नहीं हुआ होगा, एडमिशन होने के बाद ही मिलेंगे, भंडारे के बाद वो ना पूरा प्रवचन होने के बाद भंडारा बढ़ता है, पहले थोड़ी मिल जाता है। चलो वो भंडारा नहीं था देवी, तो बताओ यार, वहाँ तुम्हें कोई पूजा वूजा दिख रही थी कि पूजा हो रही हो? भंडार सही है, सही है भैया, सही है, भंडारा ही दिखता है उन्हें। चलो आज पढ़ने वाले हम लोग कौन सा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एमपी का क्या रिप्रेजेंटेशन था, मध्य प्रदेश के कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव गए थे वो, अरे सुन लें बोलो, किसमें वर्णित तो नहीं है या है? नहीं था, ठीक है, कौन कौन से? अगस्त प्रस्ताव, बेवल प्लान, अरे चार तो बताइए एक एक करके भाई, ठीक है, तीन ही हुए तो क्वेश्चन गलत दिया होगा, हो सकता है गलत दिया हो, क्योंकि तीनों में ही संविधान सभा जो है वो शुरुआत हो जाती है अगस्त प्रपोजल से, अगस्त ऑफर जब आया उसमें बोला क्या गया था कि आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या करेंगे, इंडियंस अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, तो बनाएगा तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी, फिर क्रिप्स में भी यही हुआ, बेवेल में भी यही था, कैबिनेट मिशन ने तो बना ही दिया था, तो ये तो चारों चीज़ें हो सकता है दे दिया हो गलती से आ गया हो, इंग्लिश में सही था, हिंदी में हो सकता है गड़बड़ हो गया। चलो तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज कि एमपी से कौन कौन इसके अंदर गए हैं, है ना, तो एमपी से एक्चुअल डेटा तो नहीं है कहीं पर भी, लेकिन फिर भी ये माना जाता है अप्रोक्सीमेट 20 से 25 जो थे वो आपके पास संविधान सभा में लिए गए थे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी समझना, हम बात कर रहे हैं 1946 की, मैंने आपको बताया कि 46 में इलेक्शन हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, बेस क्या था, कैबिनेट मिशन। अब वो जो टाइम था जब इंडिया जो था डिवाइडेड था बिटवीन प्रिंसली स्टेट एंड ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों के बीच में बटा हुआ था, तो दोनों जगह से लोगों को लिया गया था, जैसे भोपाल से कोई लिया गया, ग्वालियर स्टेट से कोई आया, तो ऐसे मिला के अप्रोक्सीमेट 20 से 25 लोग हैं, जिसमें से इम्पॉर्टेंट 20 के आसपास हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि संविधान सभा से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप पूछ रहा है, और एमपी से रिलेटेड है तो बिल्कुल चांस बनता है कि आपके पास क्वेश्चन आएगा, तो दो दो तीन तीन फैक्ट देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे कि संविधान सभा में मध्य प्रदेश से जो जो लोग गए थे, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो आपकी राजभाषा हिंदी है ऑफिशियल लैंग्वेज किसने करवाई, किसके कहने पर हुई, ये एमपी का बंदा था जिसके कहने पर हुआ, नहीं, सेठ गोविंद दास चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में लिखा जाए, याद रखना, ठीक है, जबकि रविशंकर शुक्ल हिंदी को राजभाषा बनवाना चाहते, ये दोनों में डिफरेंस है, पंडित रविशंकर जो फर्स्ट सीएम ऑफ एमपी वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि हिंदी जो है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मानी जाए, तो ये मानी भी गई आर्टिकल 343 में हमारे पास, लेकिन सेठ गोविंद दास जो हैं वो ये चाहते थे कि संविधान जो लिखा जा रहा है वो बेसिकली किस में हो, हिंदी में, क्योंकि आपको बता होगा मैंने बताया भी था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिकली किस में लिखा गया, इंग्लिश में लिखा गया, फर्स्ट कॉपी ओरिजिनल कॉपी किस में, इंग्लिश में, फिर उसके साथ एक कॉपी और रिटर्न की गई वो हिंदी में, दो कॉपी, इसके अलावा एक पब्लिश कॉपी, टोटल तीन कॉपियाँ थी जो रखी गई थी, कब, 26 नवंबर 1949 को, और वही आपकी रखी गई थी 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद फिर जितने भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबको एक एक प्रिंटेड कॉपी दी गई थी, उसमें से एक ग्वालियर में रखी हुई है कॉपी आपके पास, वो जो लाइब्रेरी सेंट्रल लाइब्रेरी है उसके अंदर, ठीक है, एक भोपाल में या इंदौर में भी रखी हुई है ना, तो ऐसे कॉपियाँ वो रखी हुई है ना, तो इसमें से इस टाइप के फैक्ट जो है वो ला सकता है, ये टोटल फैक्चुअल वाला अपना पोर्शन चल रहा है ना, तो इसमें हम बस ये देख लेना है कि कौन कौन से ऐसे पर्सनस हैं, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश से संविधान सभा में गए थे, चाहे वो प्रिंसली स्टेट से गए हों, देसी रियासतों से गए हों, चाहे वो ब्रिटिश प्रांत, बस उनके फैक्ट हमें दो तीन चाहिए, ठीक है ना, तो वन बाई वन देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा,
मुझे ऐसा लगता है कि इससे एक ना एक क्वेश्चन वो जरूर पूछ ले। जैसे फ्रैंक एंथोनी वाला जो क्वेश्चन आया था ना आप लोगों ने, इससे लास्ट वाली में आया था, ट्वेंटी वाले में आया था, तो फ्रैंक एंथोनी वाला उन्होंने इसलिए नहीं बनाया था कि नॉमिनेटेड थे, उन्होंने इसलिए बनाया था क्योंकि वो एमपी से रिलेटेड है। फ्रैंक एंथोनी जो थे वो कहाँ से थे? एमपी से थे, इसलिए उन्होंने वहाँ क्वेश्चन डाल दी। तो मे भी यहाँ से और कोई क्वेश्चन वो बना सकता है। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे यंग जो पर्सन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, सबसे युवा, वो भी मध्य प्रदेश से था, ठीक है, वो झाबुआ थांगला जो जगह थी वहाँ से थे, कुसुम कांत जैन साहब। 28 ईयर्स के थे जब उनका, क्या हुआ उसके लिए, 28 या 30 ऐसा कुछ है, अभी बता दूंगा मैं, क्योंकि फैक्ट बहुत सारे हैं तो इनको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेंगे, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाना पक्का है। चलो तो सबसे पहले तो याद रखो कि ये जो फ्रंट पेज है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्या आपके पास प्रीएम्बल है ना, कि प्रीएम्बल में बी द पीपल ऑफ इंडिया वर्ड किसने जुड़वाया था, मैंने बताया था कल, किसने कल बताया था ना, बी द पीपल ऑफ इंडिया वर्ड पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी ने जुड़वाया था। पूर्णिमा बनर्जी थी कौन पता है आपको, कौन थी? हाँ, आवड़ा आसफ अली की कौन थी, सिस्टर थी, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हूँ 50 में, वो पूर्णिमा दूसरी है देवी, कुछ भी कहीं भी कुछ भी चिपका दो। अच्छा एक बात बताओ, तो केमिकल लोचा चलता है क्या? एक वो एक प्रीति, उसके साथ भी थोड़ा लफड़ा है हाँ, मतलब ये सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, होता कुछ है, ये प्रॉब्लम है। चलो तो ये याद रखना कि दो इंपॉर्टेंट चीज़ें एमपी ने करवाई, पहला तो हिंदी को क्या करवाया, ऑफिशियल लैंग्वेज का जो स्टेटस है वो दिलवाया, दूसरा जो फ्रंट पेज है आपका किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका डिज़ाइन भी किसने किया है, एमपी ने किया। ये जो आपको पेंटिंग्स दिख रही है ना ये सारी साइड में, ये अपने एमपी के जबलपुर के ही एक आर्टिस्ट हैं, उन्होंने ये पूरा इसको किया हुआ है, ध्यान रखना। क्या नाम है? राम मनोहर सिन्हा या राम मनोहर व्यवहार, क्या लिखा है? हाँ लिखा नीचे राम मनोहर सिन्हा, अच्छा ये लिखा हुआ है। चलो तो ये दोनों किसको बताते हैं, एमपी को। तो याद रखना कि फ्रंट पेज भी किसने बनवाया, एमपी ने, एमपी के आर्टिस्ट थे, और इसके अलावा हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस भी कौन दिलवा रहा है, एमपी दिलवा रहा है। अब एमपी में कौन कौन से, सबसे पहले आपके सामने ये है, इनका नाम है राम मनोहर सिन्हा, ठीक है। इन्होंने क्या किया, तो ये जबलपुर के आर्टिस्ट हैं, याद रखना कौन है, ये जबलपुर के आर्टिस्ट हैं, और इन्होंने जो पेंटिंग की है एक तो फ्रंट पेज पे है, इसके अलावा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में इनके 10 अलग अलग पेंटिंग जो है वो कहीं ना कहीं पर इंक्लूड की गई, अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो बहुत फेमस रहे, और ये शांति निकेतन में बेसिकली काम करते थे। शांति निकेतन किसका था, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब, वहीं पर ही आर्टिस्ट थे, तो इनको चुना गया था कि आप क्या करो, डिज़ाइन करो, ध्यान रखना। तो डिज़ाइनिंग के लिए जो भी चित्र वित्र बनाने थे वो इन्होंने बनाए थे, इन्होंने, उनकी टीम ने, अकेले नहीं है कि इन्होंने बनाए हों, और भी लोग थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट थे उसमें से आप कह सकते हो। तो राम मनोहर सिन्हा प्रस्तावना का मुख्य पृष्ठ, यानी कि प्रियम्बल का क्या किया इन्होंने, डिज़ाइन किया, जो आपको मैंने अभी दिखा दिया वो चीज़, और साथ ही साथ कितने यार 10 अन्य चित्र, 10 अदर जो इनके क्या हैं, पिक्चर्स हैं, वो कहाँ पर हैं, कहीं अलग अलग पेजेस पर उनको प्लेस मिला हुआ, क्योंकि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो इसी तरीके से सजाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे अपने क्या किया, जैसे अपने पास ये पूरा पेज है ना, तो इसमें हम पूरे में तो लिखते नहीं हैं, इतने में ही लिखते हैं, तो आसपास इधर पूरा पेंटिंग है, इधर पेंटिंग है, इधर पेंटिंग है, तो इस टाइप से ऐसे पूरा उसको सजाया गया। और वो मैंने बताया भी आपको, जो ओरिजिनल कॉपियाँ कहाँ रखी हुई है, अभी भी दिल्ली में है, हीलियम का एक बॉक्स है पार्लियामेंट के अंदर, उसके अंदर रखी हुई, क्योंकि हीलियम के अंदर जो पेपर है वो ख़राब नहीं होता, ओरिजिनल कॉपी वहाँ पर रखी हुई, ठीक है ना। चलो तो पहले कौन हो गए आपके, राम मनोहर सिन्हा, बस क्वेश्चन याद रखना कहाँ करें, जबलपुर। एमपीपीएससी तमाम बार ऐसे पूछता है, प्लेसेस पूछता है कि इनका संबंध कहाँ से, तो याद रखना राम मनोहर सिन्हा का संबंध कहाँ से है, जबलपुर से, ठीक। चलो अगले एच वी कामत सर, ये भी मध्य प्रदेश से हैं, ठीक है। ये कहाँ के हैं भैया,
उस अंगत के, ठीक, जिसको अपन आप क्या कहते हैं, नर्मदा पुरम, ठीक। मंत्रियों के शपथ के प्रारूप अगर आपने पढ़ा हो, जो ओथ का फॉर्मेट होता है उसमें हम ईश्वर का नाम लेते हैं, मैं अमुक ईश्वर की शपथ खाता हूँ, अगर आपने ये सुना हो तो। ये जो ईश्वर वर्ड वाली बात है ना, ईश्वर को जोड़ने का काम इन्होंने ही किया था, पहले ईश्वर नहीं था, हाँ नहीं, अब तो सबके लिए, ठीक है ना। तो ये ईश्वर शब्द जो है वो इन्होंने ही जुड़वाया, ध्यान रखना, क्योंकि इंडिया में कल्चरल रूप से नास्तिकता की जगह है नहीं, हम सेकुलर हैं, ये तो कन्फर्म है। तो सेकुलर का मतलब क्या हो रहा है, सेकुलर इंडियन सेकुलरिज्म आपको पता होना चाहिए कि यूरोपियन सेकुलरिज्म से थोड़ा सा अलग है। मैंने आपको ये अच्छे से पहले भी बताया था, और जो नए बता देता हूँ, एक्चुअली में सेकुलरिज्म जो कंसेप्ट है ना, जो धर्मनिरपेक्षता आपका एक अवधारणा है, वो निकलती है यूरोपियन पुनर्जागरण से। यूरोप में जो 13वीं-14वीं शताब्दी में पुनर्जागरण हुआ, उससे एक नया कंसेप्ट निकल के आया, उसका नाम था सेकुलरिज्म। हुआ क्या था कि यूरोप में धर्म का इतना ज़्यादा ग्रिप था लोगों पे कि वो अपने मन से कुछ भी कर, सारे ऑर्डर चर्च से आते थे और वो फॉलो करने होते थे। तो जैसे ही रेनेसां हुआ, लोगों ने क्या किया, विरोध करना शुरू किया चर्च का। तो जो रूलर थे वहाँ के, जो शासक लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद को धर्म से अलग कर लिया। उन्होंने कहा धर्म जो है, रिलीजन जो है, वो आपका पर्सनल इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, आपकी व्यक्तिगत आस्था का विषय है, राज्य को धर्म से कोई मतलब नहीं। ये उन्होंने निकाला, यानी धर्म आप जानो, राज्य को, स्टेट को, कंट्री को धर्म से कोई मतलब नहीं। तो ये वहाँ से निकल के आ गया। तो ओरिजिनल फॉर्म में सेकुलरिज्म ये था, लेकिन इंडिया में जैसे ही हमने आए, हमने इसको अडॉप्ट किया, तो हमको रिलीजन से कभी कोई प्रॉब्लम रहा नहीं, याद रखना। जैसा कि वहाँ पर ऐसा था कि ग्रिप था कि भैया मंदिर से कहा जाएगा कि शाम को 7 बजे खाना खाओ, अदरवाइज सूली पर टांग दिए जाओगे, ऐसा कुछ होता था क्या इंडिया में? तो कभी नहीं हुआ इतना ज़्यादा, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो हमने क्या किया, गांधी जी जो कहते थे, गांधी जी कहते थे सर्वधर्म संभाव, सभी धर्मों का क्या करो, समान, एकदम समान भाव से देखो, रिस्पेक्ट करो, आदर करो। तो हमने उसी फॉर्मेट में उसको क्या किया, अडॉप्ट कर लिया, और इसलिए हमने थोड़ा सा उसको चेंज करके कर दिया पंथ निरपेक्षता। हिंदी में जो वर्ड यूज होता है वो क्या होता है, पंथ निरपेक्षता, इंग्लिश में सेकुलरिज्म, दोनों के लिए, ठीक है। और चूंकि अपने पास क्या, धर्म के अंदर बहुत सारे पंथ हैं, जैसे कबीर पंथ अगर आपने सुना हो, है ना, सेक्ट जिसको अपन बोलते हैं, तो इसलिए हमने धर्म के इंटरनल चीज़ों को भी उसके अंदर जोड़ दिया। तो यहाँ पर यही वाली बात हो रही है। तो ईश्वर अपने हमेशा से रहा, वैदिक काल से हमारे पास अवधारणा रही है, भले ही वैदिक काल में जो मटेरियलिस्टिक थी, भौतिकतावादी ईश्वर को माना जाता था, ध्यान रखना। आज हम क्या करते हैं, आज हम ईश्वर को क्यों मानते हैं, जिससे हमारा अगला और पिछला जन्म जो भी ठीक हो जाए, पिछले जन्म में जो पाप किए हो वो धुल जाए, उनका दंड हमको ना मिले और अगला जन्म अच्छा मिले। ये कंसेप्ट उस समय नहीं था, वैदिक राम ऐसा कंसेप्ट था ही नहीं। वैदिक काल में तो इसलिए पूजा करते थे कि बारिश हो जाए तो खेती अच्छी हो जाए, बीमारी हमारे जानवरों को ना हो, इस टाइप के उनके क्या होते थे, डिमांड होते थे, बात समझ में आ रहा है। तो वो मटेरियलिस्टिक थे, भौतिकतावाद को ईश्वर के साथ जोड़ते थे। अपन ने क्या किया, मटेरियलिस्टिक हटा दिया, अब सीधा एक्सट्रीम गॉड पे चले गए, अलग ही दुनिया में, कहाँ है भगवान पता तो है नहीं, पता है क्या गॉड जो है ना, एक ऐसा कंसेप्ट है ना, जिसको प्रूव करने में अगर 1000 reasons है ना, लॉजिक है आपके पास, तो उसको डिनाई करके भी 1000 reasons है। गॉड को पहिए के बाद इन्वेंशन, गॉड एक जो कॉन्सेप्ट बनाया गया, हाँ ये कह सकते हो आप कि हमने अपने साथ, देखो अपने साथ तो कहानी थोड़ी सी अलग है ना, अपन अगर मैं हिंदुओं की बात करूँ तो अपन थोड़ा अलग टाइप से काम करते हैं, अपने लिए भगवान तो ऐसे आओ बैठो बगल में खेलते हैं, और नए नए भगवान हमको चाहिए होते हैं, पता है आपको, ये बुराई वाली बात नहीं है, मैं आपको पर्सनल बता रहा हूँ। हमको क्या होता है, हमेशा एक नया भगवान चाहिए होता है, हम बोर हो जाते हैं, हमारे भगवान के साथ ऐसे संबंध है, सुबह पूज लिए शाम को तुम्हारी ... सुबह फिर पहुँच गए। अमिताभ बच्चन की पुरानी मूवी देखो, मंदिर में जाता है वो लड़ने, रोज जाता है ना, तो अपना थोड़ा सा भगवान के साथ अलग कलेक्ट टाइप का कनेक्शन होता है। ये हिंदू रिलीजन में ही है, अदर किसी रिलीजन में जाओगे तो गर्दन काट दी जाएगी। ईश निंदा एक पूरा एक लॉ है, आपको शायद पता हो कि आपने भगवान के अगेंस्ट में कुछ बोला, आपका मरना तय है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदू रिलीजन में तो चलता रहता है, अपने यहाँ तो
इतने हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी से भी कर लो बातचीत, वो बाद में मान भी जाते हैं अपने भगवान, और नए भी आते रहते हैं नए टाइम टू टाइम, नहीं आते क्या? जैसे साई बाबा 400-500 साल पहले ही तो भगवान की पदवी पे विराजमान हुए, उससे पहले तो नहीं थे, तो आते रहते हैं। अभी कुछ बनने की जुगाड़ में थे, फेल हो गए, वो गलती से कुछ चीज़ें सेट नहीं हो पाई, कुछ बनने की जुगाड़ में घूम रहे हैं। अब जो तुम जानो, वह आप जानो, किस किस का नाम ले सकते हो, मैं नाम किसी का नहीं लेता, लेकिन ये आपको दिख रहा होगा। ठीक, चलो, तो ईश्वर जो है ड्राफ्ट में, जो गॉड है ना बर्ड, वो इन्होंने ही जुड़वाया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भाई ओथ में जो बर्ड गॉड है ना, वो किसने जुड़वाया? तो अपने पास आंसर क्या है? एच वी कामत। ठीक, अगला मैंने बताया कितनी टोटल 16 प्रतियाँ विभिन्न शहरों में, मूल प्रतियाँ ये, जिसमें से ग्वालियर में क्या है? एक। 16 मूल प्रतियाँ बची हैं, ठीक है ना? ग्वालियर में बता दो, सेंट्रल लाइब्रेरी अभी बताया भाई, 16 बची हैं, थी तो 389 सबको दी गई थी एक एक। यार मैं कैसे बता सकता हूँ, जिसको दी गई वो कहाँ लेके गया? अपने पास तो इन्फॉर्मेशन जितनी आएगी उतनी है, कहाँ गई, किधर गई। अब वो तो जैसे नेहरू जी को दी गई तो वो कहाँ गई, ठीक है, पटेल साहब को दी गई वो कहाँ गई, ये इन्फॉर्मेशन निकाल भी नहीं सकते अपन, कहाँ से निकालेंगे, किसी पर्सनल लाइफ में कहाँ ले गए वो। ठीक है, बस 16 बची हैं, उसमें एक ग्वालियर में, इतना याद रखो। चलो, अब है मास्टर लाल सिंह सिंसनवार, इनका नाम भी PSC में आ चुका है अगर आप लोगों ने पढ़ा। ये थे कहाँ से? बुड्ढे से लग रहे हैं। अच्छा, ये गलत लग गया फोटो, फोटो गलत लग गया, ये किसका है? हाँ, तो मिलते नहीं हैं इनके बहुत सारे, गलती से लगा दिया होगा। ठीक है, 1949 में भोपाल से, कहाँ से आई है? भोपाल से। जब भोपाल में बिलनीकरण मर्जर का जो मूवमेंट चल रहा था ना, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा था, मास्टर लाल सिंह सिंसनवार का, ठीक है ना? तो वो आंदोलन में उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, तो भोपाल स्टेट से ही इनको क्या किया गया था, आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लिया गया था। तो ये पूछ लेंगे आपसे कि मास्टर लाल सिंह का संबंध किस शहर से है, या किस स्टेट, किस प्रिंसिपल स्टेट से रिलेटेड है ये, तो आंसर कहाँ है? भोपाल। ठीक है, और इकलौते सदस्य थे, इनके अलावा कोई और भी नहीं लिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो भोपाल से एकमात्र सदस्य जो कहाँ गए थे आपके संविधान सभा में, वन एंड ओनली मेंबर फ्रॉम प्रिंसिपल स्टेट भोपाल इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इम्पॉर्टेंट यह कि इन्होंने प्रजा पुकार के नाम से एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया था, ध्यान रखना, उसमें दो तीन और भी लिखे, मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूँ यहाँ पे, उसके अंदर तो और भी पॉइंट्स आपके पास हैं। तो प्रजा पुकार और भी दो तीन निकाले हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट कौन सा है? प्रजा पुकार। तो प्रजा पुकार के नाम से इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी चलाया था। ठीक, चलो अगला एक इम्पॉर्टेंट शहर है अपने पास सागर। सागर से भैया 3 लोग हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कितने लोग हैं? 3, ध्यान रखना, MP का वो एकमात्र शहर जिससे 3-3 लोग संविधान सभा में गए। पहले कौन से गए? हरि सिंह गौर, पता है, पूरी संपत्ति बेच दी और क्या बनाया? जितनी संपत्ति प्रॉपर्टी थी सारी बेच दी और सागर यूनिवर्सिटी की स्टेब्लिशमेंट करवाया, और शायद मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भी है ना, MP के अंदर सबसे बड़ा जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सा है? सागर है। सबसे ज़्यादा एफिलेटेड जो कॉलेज है उसी के अंदर है, और इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी। अब दो थे ना, तीन हो गए, कितने? 2 ही हैं, एक ये और एक आपके पास DAV थोड़ी है, जनजाति है अमरकंटक वाला, DAV नहीं है, DAV बिल्कुल नहीं है सेंट्रल, ध्यान रखना। तो अमरकंटक वाला जो है आपके पास वो है, जो ST ट्राइब्स वाला, दूसरा कौन सा आपके पास? सागर यूनिवर्सिटी, हरि सिंह गौर। ठीक, दूसरा बंदा कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल, क्या कराया? हिंदी को राजभाषा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिलाने में सबसे बड़ा रोल किसका था? पंडित रविशंकर शुक्ल। और आपको पता होना चाहिए इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है भाई साहब, कहाँ पर लिखा हुआ है? 343 आर्टिकल 343 में लिखा हुआ है कि इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो क्या होगी? हिंदी विद स्क्रिप्ट ऑफ देवनागरी। तो देवनागरी लिपि के साथ हिंदी भाषा भारत की राजभाषा होगी जो आज तक पूरी तरीके से लागू नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जब हिंदी को बनाने का ये प्रयास चल रहा था उस समय साउथ में एंटी हिंदी मूवमेंट शुरू हो गया था। ठीक है, और आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी तमाम बार ये डिस्कस हुआ था कि जब लोग रेडी नहीं हैं तो आप क्यों थोप रहे हो हिंदी को। ठीक है ना, तो ये तमाम चीज़ें चली, लेकिन लास्ट में जाके
हिंदी को ही क्या बनाया गया ऑफिशियल, और 344 में इसके लिए एक कमीशन की भी बात की गई है ना, एक राजभाषा आयोग बनाने की बात की गई है। और फर्स्ट जो बना था राजभाषा आयोग ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन वो बना था 19 मेरे को बोल तो लंदे 1955 में। बीजी खेर साहब कौन थे, उसके अध्यक्ष थे, ठीक है ना, चेयरमैन थे उसके, जिन्होंने हिंदी को क्या करने के लिए और प्रमोट करने के लिए और डेवलप करने के लिए, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज ने बहुत सारे वर्ड्स अलग अलग लैंग्वेज से ली। अगर आप देखो तो उर्दू से हैं, आपके अरबी से हैं, इंग्लिश से तो जाने कितने हैं ही, फारसी से भी बहुत सारे, जैसे कैंची वर्ड हुआ, ठीक है, अखबार वर्ड हुआ, ये सब कहाँ से लिए हमने, ये सब ने डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज से ली है ना। चलो तो हिंदी को राजभाषा बनवाना ऑफिशियल लैंग्वेज किसका योगदान है भाई, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है, हरि सिंह और सागर विश्वविद्यालय, और एक कौन थे, रतन लाल मालवीय। ये लेबर के लीडर थे, ध्यान रखना, लेबर क्लास के लिए इन्होंने बहुत कुछ काम किया है। तो याद रखना, फर्स्ट जो फ्री इंडिया की गवर्नमेंट बनी थी है ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस या फिर आफ्टर किसके कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्टेशन के बाद जो पहली सरकार बनी, उसमें ये डेप्टी लेबर मिनिस्टर भी बनाए गए थे, ध्यान रखना, कौन, रतन लाल डेप्टी लेबर मिनिस्टर, उप श्रम मंत्री बनाए गए थे, ध्यान रखना, श्रम मंत्री नहीं थे, उप श्रम मंत्री बनाए गए थे, ठीक, कुछ टाइम के लिए श्रम मंत्री के रूप में भी काम किया लेकिन एक्चुअल में उप श्रम मंत्री। तो तीन लोग कहाँ से आए, सीधे सीधे सागर से, कौन कौन, हरि सिंह और पंडित रविशंकर और रतन लाल मालवीय। अब आ गए सेठ गोविंद दास, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। संविधान को क्या चाहते थे, मूल रूप से हिंदी में लिखा, ये याद रखना दोनों में डिफरेंस, कौन चाहता था कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज हो और कौन चाहता था कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो राइटिंग है वो हिंदी में हो। तो गोविंद दास का मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में लिखा जाए, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम लोग हिंदी बोलते हैं तो उनको समझ में आए ऐसी भाषा में लिखो, है ना, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दो चीज़ें पता है, कॉन्स्टिट्यूशन को उन लोगों ने बनाया जो लोग थे एडवोकेट्स, तो उन्होंने लैंग्वेज इतनी टफ कर रखी है, अगर आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो एकदम ऊपर से निकल जाता है ये कहना क्या चाह रहा है, और ऊपर से वो इंग्लिश में लिखा, इंग्लिश से हिंदी में किया तो और टफ हो जाएगी, बात समझ आ रहा है। तो उन्होंने लगा कि ईजी लैंग्वेज में हिंदी में लिखा जाए, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम यह था कि बैरिस्टर जो थे ज़्यादातर वो सब इंग्लिश से थे, और अंबेडकर साहब इंग्लिश में मैन, उनको ज़्यादा इजी था, तो उन्होंने इंग्लिश में ही काम किया। तो ये चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन किस में लिखा जाए, हिंदी के अंदर। आगे ये एक राइटर भी थे, इन्होंने कुछ क्या लिखे हैं, आपके नॉवेल्स लिखे हैं, कौन कौन, चंपावती, ठीक है, और कृष्णलता एंड सोमलता, ये उनके कुछ क्या हैं, फेमस नॉवेल हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी नॉवेल उठा के वो चिपका देगा पेपर के अंदर, वो आपसे पूछेगा सोमलता उपन्यास किसका है, सोमलता नॉवल रिटन बाय हुम, तो सेठ गोविंद, क्या कुछ बुक्स वो ऐसी पूछता है, ध्यान रखना, जो राइटर है उनकी तो पूछेगा ही। आप जब एमपी पढ़ोगे तो एमपी के लिटरेचर में आप पढ़ते हो एंशियंट राइटर, मिडाइवल राइटर और मॉडर्न राइटर, जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान भी आ जाएंगे आपके, जितने भी हैं, ठीक, गजानन मुक्तिबोध साहब हैं आपके, हरिशंकर परसाई हैं, बहुत सारे लोग हैं, शरद जोशी हैं, शरद जोशी कौन सी थी, शरद जोशी का नाम सुना है, उनकी सबसे प्रसिद्ध जो रचना है वो कौन सी है, वो मुक्तिबोध की है, कुछ भी इसका असर तुम पे भी, जीप पर सवार इल्लियां, ये उनकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक थी, जीप पर सवार इल्लियां, थोड़ा तो उन्होंने रूरल एरिया से लिखी थी कि कैसे क्या जो आपका ये एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो कैसे करप्शन करता है इससे रिलेटेड, ठीक है ना। ऐसे हरिशंकर परसाई साहब की बहुत ज़्यादा फेमस बुक्स रही, और पीएससी जाने कितनी बार पूछ चुका है इनको, कितनी बार, नंबर ऑफ टाइम्स उसने क्वेश्चन पूछा, ठीक, तो इनका भी याद रखना, कितनी, तीन है, चंपावती, कृष्णलता और सोमलता, इनमें से कोई भी वो पूछ सकता है। तो सेठ गोविंद दास हिंदी में लिखाना चाहते हैं, दूसरा नॉवलिस्ट, थर्ड क्या है, कहाँ से रहे ये, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, कहाँ से संबंध है इनका, किस शहर से संबंधित, तो आंसर कौन सा है, जबलपुर।
तो वहाँ से ये एमपीबी रहे थे 47 से लेकर 74 तक, ये जबलपुर से एमपीबी इलेक्ट होके आते थे। और भी दो तीन पॉइंट है उसमें नीचे, मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट याद थी जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो बहुत सारा जीवन याद नहीं कर रहा इनका, जन्म मरण ज़्यादा नहीं पूछेंगे आपसे, उसमें तो वो भी डला हुआ है, लेकिन आपको केवल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने जो आपके एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा जरूरी, ठीक है। तो सेठ गोविंद दास, बस डिफरेंस याद रखना, हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन और ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, ये दोनों को ध्यान रखना। तो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी कौन बात कर रहा है, रविशंकर शुक्ल, और हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन कौन लिखवाना चाहता है, और मे बी इन्होंने जबलपुर को कैपिटल बनाने के लिए भी बोला था इंडिया की, जबलपुर को, हाँ इन्होंने एक बार दे दिया था हरिसिंह और इन्होंने दोनों ने मिलके, है ना, सॉरी हरिसिंह और सागर की बोल रहा हूँ, जबलपुर याद आ गया, हरिसिंह और ने सागर को इंडिया की कैपिटल बनाने का भी एक सजेशन दिया था जो कि माना नहीं, नहीं माना गया ना, मान लिया गया क्या, मान लेते तो अभी सागर होती दिल्ली, अभी तो दिल्ली कैसे बना दिया, ना तो सेंटर में है ना कुछ है, हाँ दिल्ली सल्तनत के टाइम से वो थोड़ी सी चल रही थी, नहीं फिर भी यार एक तो एंशियंट में जाओ तो आपके पास बहुत सारे तक्षशिला पहले डेवलप था, फिर उसके बाद आप आ गए कहाँ पर, नालंदा, इधर आ गए आप बिहार में पूरा डेवलप हो गया, फिर उज्जैन भी एक टाइम पर डेवलप बहुत ज़्यादा रहा था, तो टाइम टू टाइम चेंज तो होते रहे सिटीज, लेकिन जो इस्लामिक पीरियड में दिल्ली रहा बेसिकली बहुत लंबा चला गया, फिर उन्होंने तो शिमला बना लिया था ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने शिमला से भी चलाई थी, उनकी जो शिमला थी वो कैसी थी, समर कैपिटल थी ना शिमला या विंटर, समर कैपिटल शिमला थी नहीं थी, हाँ चलो। अब दूसरी चीज़ 1961 में इनको क्या मिला था, पद्म भूषण मिला था, और सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ इसमें जो लोकसभा थी उसमें ये कौन रहे, एज अ प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किए गए थे, तो ये क्वेश्चन आने की ज़्यादा चांसेस, क्योंकि कौन से सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्या बने, ये प्रोटेम स्पीकर तो मालूम है ना कौन होता है, हाँ नई लोकसभा के चुने जाने से पहले जो स्पीकर को ओथ दिलाता है उसका इलेक्शन करवाता है वो होता है आपका प्रोटेम स्पीकर, ठीक है ना। तो ये सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ चार लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर, और पॉलिटी में आधे टेढ़े क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है वो आजकल, पीएससी इसी तरह मूव कर रहा है। नेक्स्ट एंग्लो इंडियन नेता कौन है, फ्रैंक एंथोनी, ठीक है इन पर क्वेश्चन तो आ ही चुका है अच्छे से, कौन थे फर्स्ट नॉमिनेटेड वाइस चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मैंने बताया था ना आपको कि जब 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुआ था किसका, संविधान सभा का, तो प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था, चेयरमैन सत्यनारायण सिन्हा, क्यों बनाया गया था, क्योंकि सबसे बूढ़े थे, है ना, फ्रेंच जो ट्रेडिशन था उसके अकॉर्डिंग बनाया गया। तो उन्होंने जब अपना पूरा वहाँ पे एक स्पीच दिया तो उन्होंने बोला था कि भाई मैं हूँ बूढ़ा आदमी और आफ्टर लंच के बाद मैं काम नहीं, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक असिस्टेंट चाहिए, एक सहायक चाहिए। तो उन्होंने खुद ही प्रपोज किया ना, किसी ने उस पर क्या नहीं किया, आपत्ति नहीं जताई, और फ्रैंक एंथोनी बन गए। कितने दिन रहे, दो दिन, उसके बाद 11 वाले दिन स्थायी आ गए परमानेंट, हाँ 13 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। तो फ्रैंक एंथोनी, अच्छा याद रखना ये जब तक जिंदा रहे 90s तक, तब तक आपको पता था, अभी तक लास्ट ईयर तक दो एंग्लो इंडियन आते थे लोकसभा के अंदर, है ना। तो वो जो दो एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते थे ना, वो इनकी एडवाइस से ही होते थे 1990s तक, याद रखना जब तक ये जिंदा रहे, इनसे ही पूछ के किया जाता था, तो बताओ किसको लिया जाए, तो ये क्या करते थे, एडवाइस करते थे कि इसको ले लो, और उसी बंदे को क्या कर दिया जाता था, आपके पार्लियामेंट में एज अ एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ले लिया जाता, तो आंग्ल भारतीय प्रतिनिधि के रूप में लिया जाता, तो इन्हीं के कहने पर था, ठीक है। तो ये अखिल भारतीय एंग्लो इंडियन एसोसिएशन के उपाध्यक्ष वो तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है ना। अच्छा कहाँ से, ये जबलपुर से, तो 1993 मैंने बताया ना आपको 90s तक, जब तक इनकी डेथ नहीं हुई,
इन्होंने क्या किया था, यही क्या करते थे, नॉमिनेट करते थे कि कौन बंदा एज अ एंग्लो इंडियन कहाँ जाएगा आपके पास पार्लियामेंट में। और अब तो एंग्लो इंडियन की कहानी खत्म ही हो गई। कौन सा वो है संशोधन 104, उसमें और कुछ भी है केवल एंग्लो इंडियन से रिलेटेड है। एससी और उसका आरक्षण जो है वो 10 ईयर्स के लिए इंक्रीज किया गया, तो 104। अच्छा 105 भी आ गया, किस रिलेटेड है, ओबीसी से। क्या किया ओबीसी का, इसमें दर्जा दिया गया, पहले नहीं था। अरे एनसीबीसी तो मालूम है ना, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, कौन से आर्टिकल अमेंडमेंट से आया था 102। तो 102 और 105 में क्या डिफरेंस है, दोनों का कनेक्शन है एनसीबीसी से, दोनों का कनेक्शन एनसीबीसी से। हाँ तो कोई डिफरेंस हो, किससे किया, 102 से 105, 5 से सेपरेट कर दिया, 2 में क्या था फिर। सुन लो 102 से जो एनसीएससी के अंडर आपका एनसीबीसी था ना, उसको कर दिया सेपरेट, समझना, अलग किससे किया गया है, 102 से। अब इससे क्या हुआ, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। प्रॉब्लम क्रिएट क्या हो गई, जो ओबीसी लिस्ट थी ना, एक्चुअली क्या था, ओबीसी लिस्ट में सेंटर भी नेम जोड़ता था, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट, लेकिन जैसे ही 102 अमेंडमेंट अप्लाई, स्टेट का ये पावर क्या हो गया, खत्म। अब स्टेट उस लिस्ट के अंदर नाम ऐड होता, तो ये राइट दोबारा देने के लिए स्टेट को हम क्या लेके आए, 10 कि अब स्टेट दोबारा से उस लिस्ट के अंदर क्या कर सकता है, नाम सकता है, सजेस्ट कर सकता है, क्योंकि पहले था फिर 102 लाए, एनसीबीसी कर दिया, सीधा सेंट्रल में ले गए, खत्म हो गया। तो इसलिए 102 को 105 दोनों का कनेक्शन एनसीबीसी से, बस डिफरेंस क्या है, इससे हो रहा है सेपरेशन, अलग से पूरा एक नेशनल कमीशन बना रहे हैं अपन ओबीसी के लिए, और इससे जो राइट इससे हट गया था 102 से, जो राइट हट गया था स्टेट से, वापस 105 से दे दिया। तो ये दोनों में डिफरेंस है ना। चलो तो 1993 तक, जब तक इनकी डेथ हुई, तब तक एंग्लो इंडियन जो जाते थे पार्लियामेंट के अंदर, वो इन्हीं के द्वारा जाते थे, यही उनको नॉमिनेट करके भेजते थे, ठीक है। और काउंसिल फॉर द, ये संस्थापक थे, इन्होंने बनाया था, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, इस टाइप की चीज़ें तो चलती रहती हैं, तो इन्होंने इस टाइप की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, वो नहीं। और वो बताई दिया, क्वेश्चन रिपीट दोबारा हो सकता है, नॉमिनेटेड कौन, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, एंथोनी सर। अब आ जाओ अगला, राधा बल्लभ विजयवर्गीय, इनके बारे में बात करें, जन्म कहाँ हो रहा है, राजगढ़ में, ठीक है। 1932 में गरीबों व चीतों की सेवा के लिए क्या बनाया, एक मित्र मंडल बनाया, यानी बेसिकली किसके लिए काम कर रहे थे, जमीनी स्तर पर काम कर रहे थे, ठीक है ना, मित्र मंडल बनाया। और 57 में नरसिंहगढ़ से विधायक चुने, तो बस नाम याद रखना है आपको, विजयवर्गीय, संबंध कहाँ से आपके पास, संबंध है किससे, राजगढ़ से, उस एरिया से, तो इतना याद रखना। वैसे ज़्यादातर देखो सारे नहीं पूछे जाने वाले, पूछे जाने वाले होते हैं अगर 20 है तो उसमें से 8 से 10 जैसे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती, तो नाम याद रखना बस, राधा वल्लभ विजयवर्गीय, क्योंकि वो एक क्वेश्चन ऐसे बना सकता है कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश से संविधान सभा में चुना नहीं गया था, है ना, कि वो पूरा एक नीचे देगा आपको, 4 नेम देगा, उसमें पूछेगा कि ऐसा कौन सा बंदा है जो एमपी से नहीं आया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, तो उसमें आपको याद रखना है कि ये लोग भी हैं जो कहाँ आ रहे हैं, एमपी से संविधान सभा में चुन के, ठीक है। तो राधा वल्लभ विजय अगला सीताराम जाजू, इनको याद रखो, कहाँ से, नीमच में जन्म हुआ, और 72 से 77 तक जो एमपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन थी ना, उसके कौन रही है, चेयरमैन। अब ये तो ख़त्म ही हो गया है, एमपी का जो रोड कॉरपोरेशन है ना, वो क्या हो गया है, एंड हो गया, शायद आपको पता होगा, अब नहीं काम करता, MPRTDC जिसको अपन बोलते हैं, ये अब काम नहीं करता, अब तो प्राइवेट ठेके पे बसेस चलती, उसके भी चेयरमैन रहे कुछ टाइम तक, ज़्यादा देखो बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है इनके अंदर। अगला है अवधेश प्रताप सिंह, इनको कहा जाता है कैप्टन, क्या कहा जाता है, कैप्टन, क्योंकि ये रीवा उसके अंदर, इन्होंने रीवा का जो क्या था आर्मी थी उसके अंदर ये एज अ सोल्जर आए थे,
फिर धीरे बढ़ते 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 कैप्टन और मेजर की रैंक तक गई थी। ठीक है, तो इनका रिलेशन कहाँ से है? रीवा से, ध्यान रखना। सतना जिले में जन्म हुआ था, रीवा से संबंध है। सेना में भर्ती होकर कहाँ तक पहुँचे? मेजर तक पहुँचे। और विंध्य प्रदेश की स्थापना के बाद 48 में विंध्य प्रदेश बना अपने पास, ठीक है। 48 से 49 तक ये क्या रहे उसके पहले सीएम रहे। तो 48 में जब विंध्य प्रदेश, क्योंकि 48 तक तो वो क्या थी? प्रिंसली स्टेट थी। फिर जब विलय किया गया, क्योंकि लास्ट में सबसे विलय हुआ था भोपाल का, भोपाल के पहले जितने भी आपके प्रिंसली स्टेट थे, देसी राजतंत्र थी, सबका विलय भारत के अंदर कर लिया गया। तो जैसे ही विलय हुआ, क्या आ गई? डेमोक्रेसी। तो वहाँ पर इनको क्या बनाया गया था? फर्स्ट सीएम। अगर आपसे पूछा जाए किसके? विंध्य प्रदेश के, विंध्य रीजन के फर्स्ट सीएम कौन थे, तो आंसर क्या होगा? कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह। ठीक है, संबंध कहाँ से? रीवा से। चलो अगला, पंडित शंभुनाथ शुक्ल। एक रविशंकर शुक्ल थे और ये शंभुनाथ शुक्ल। ठीक है, कहाँ पर? शहडोल में जन्म हो रहा है। 45 में रीवा महाराजा के कानूनी सलाहकार नियुक्त, ध्यान रखना। ये किसके कोर्ट में थे, किसके दरबार में थे? रीवा। अकबर भी तानसेन को रीवा के दरबार से लाया था ना, रामचंद्र भथा। इतना बताओ, अकबर वो तानसेन को लेके जो बंदा गया था अकबर के दरबार में, वो कौन था? आसिफ अली ले गया था। हाँ, अमिताभ बच्चन थोड़ी हूँ, केवी से खेल रहा हूँ। पढ़ डाला ना, खत्म हो गया ना ऊपर। अकबर खत्म नहीं हुआ? अकबर स्टार्ट नहीं हुआ, क्या चल रहा है? पिताजी चल रहे हैं अभी। हाँ, जलाल खान नाम का बंदा था जो लेके गया था, जलाल खान। तो रीवा से याद आ गया कि रीवा से वो इम्पोर्टेंट। चलो, कानूनी सलाहकार विंध्य प्रदेश से ही भारत के किस में आए थे? कॉन्स्टेंट असेंबली में चुने गए थे। ठीक, चलो अगला, इनके बारे में और क्या है? विधायक विधायक रहे, बस ये याद रखना। इनको इस्तीफा देना पड़ा था जैसे ही क्या हुआ आपका गठन। देखो इस पहले कौन बने? कैप्टन साहब, फिर ये भी उसके कह रहे थे सीएम, और जब नया मध्य प्रदेश बना कब? 1 नवंबर 1956, जब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 states और 6 UTs बनाए गए, तो उस टाइम पर ये विंध्य के क्या थे? सीएम थे। तो इसलिए इनको क्या करना पड़ा था? रिजाइन देना पड़ा था। ठीक है, तो कौन? पंडित शंभुनाथ शुक्ल। अगला है बाबू राम सहाय। ठीक, इनके बारे में बात करें, कहाँ जन्मे? विदिशा में। ठीक है, और नगर पालिका के पहले अध्यक्ष भी रहे विदिशा के। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ग्वालियर स्टेट में, याद रखना, विदिशा उस समय कहाँ आता था भाई? ग्वालियर स्टेट। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने शराबबंदी को लेके एक मूवमेंट चलाया था, कहाँ पर? विदिशा में। तमाम पर क्वेश्चन आता है शराबबंदी के लिए मूवमेंट किस स्टेट में चला, तो आंसर होगा ग्वालियर स्टेट। शहर कौन सा था, तो आंसर क्या होगा? विदिशा। विदिशा उस समय ग्वालियर रियासत के अंदर ही आता था। तो इन्होंने वहाँ पर एक मूवमेंट चलाया, इसकी वजह से वो पहला डिस्ट्रिक्ट बना था जहाँ पर शराब को क्या किया गया था? बैन किया गया था। लेकर टोड़े तरीके क्या हो गई थी? बैन हो गई थी। और बाद में यहीं से, यानी ग्वालियर स्टेट से, वो क्या बन के गए थे? आपके कॉन्स्टेंट असेंबली में मेंबर चुने गए। ठीक है, तो मद्य निषेध लेकर को बैन करने वाला ग्वालियर स्टेट। अगला, हरी विष्णु कामत। हरी विष्णु कामत की बात करें, जन्म मनम भूल जाओ। 1933 में क्या बन गए थे ये? ICS। क्यों नहीं बनना चाहिए था? टैलेंटेड लोग हैं भाई साहब। तो ICS क्रैक किया। ICS का इतिहास तो पढ़ ही लिया होगा, संविधान वो उसके लगा लिए ना ऑब्जेक्टिव, UPSC के नहीं लगाए, भूल गए? ये कोई बात थोड़ी होती है, लगाए थे मुझे पता है पूरे, सब भूल गए। और अच्छा इतना बताओ, इंडिया में सिविल सर्वेंट को ट्रेनिंग देने के लिए फर्स्ट कॉलेज किसने खोला था?
सेंटर किसने हो कहाँ? फोर्ट विलियम किसने खोला था? क्लाइव क्या करेंगे यार, कॉलेज ही खोला था। 1800 में बना था। कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनाया था, और वही उन्होंने फेल कर दिया था। फिर इंग्लैंड में बनाया था, हैलेबरी में 1806 में, लेकिन वो कोई मतलब का नहीं था। अब नॉमिनेट होते थे, पेपर वेपर होता नहीं था। पेपर हुआ था 1855 में फर्स्ट, ठीक है ना। फिर इंडिया में पहला पेपर कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये बात। अगर इसका एक आंसर हो दे दूँ, ये 1922 इलाहाबाद में जो पेपर हुआ था वो किसके कहने पे हुआ था? सरल है, मुझे नहीं पता, मैं तो पूछ रहा हूँ। हाँ, स्लिंगटन आयोग ने। तो कॉन्फिडेंस रहो ना अपने यार आंसर पे, इतना क्यों दूँ? एचिनसन और स्लिंगटन दो ही तो बने बस। चलो, हरि विष्णु कामत आईसीएस पास किया, नरसिंहपुर के कलेक्टर बने, अंग्रेजों से बनी नहीं, अंग्रेजों के साथ थोड़ी सी बहस हुई क्योंकि ये कांग्रेस के साथ थोड़े से ज़्यादा घुलमिल गए थे, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, बाद में इस्तीफा दे दिया, और त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस से जबलपुर में इनकी मुलाकात हुई, इसी की वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया था, ध्यान रखना। जब क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए सबसे खतरनाक आदमी अगर कोई था तो वो कौन था? बोस। डेंजरस पर्सन बोला गया था, उन्होंने खुद बोला था ब्रिटिशर्स ने कि इंडिया के अंदर का सबसे डेंजरस पर्सन है तो वो है सुभाष चंद्र बोस। इस बंदे से बच के रहना पड़ेगा, बाकी तो ठीक है। गांधी जी तो कोई बात नहीं, अपने आदमी है, चाहे पटा लेंगे, कोई इशू नहीं है। नेहरू साहब भी ठीक ठाक ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आदमी खतरनाक, तो इसलिए ये जो थे आपके कौन, कामत साहब, इनसे मुलाकात की, उन्होंने कहा अच्छा हमारा आदमी बोस से मिल के जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा होगा, हटाओ। तो उन्होंने छोड़ ही दिया था, फिर आईसीएस छोड़ दी थी, बाद में किसके अंदर, कांग्रेस के अंदर आ गए, फिर बाद में यहीं से आपके किस में आ गए, कॉन्स्टेंट, ठीक है। अगला विनायक सीताराम सरवट, इंदौर से संबंध, सरवट स्टैंड इनके नाम पर बनाया गया है, है ना, याद रखना इसका। तो जन्म इंदौर में हुआ, इंदौर का राजधानी भी था, मराठी स्वतंत्रता सेनानी थे, राजनीतिक नेता और लेखक भी थे, बहुत सारी कुछ बुक्स वगैरह भी इन्होंने कुछ लिख रखी। इंदौर में सब कुछ किया, 66 में पद्म भूषण मिला, और बस स्टैंड का नाम विनायक सरवटे बस स्टैंड किया गया। ये करेंट का क्वेश्चन था, तो इसलिए हो सकता है पूछा। सरवटे का संबंध कहाँ से है? इंदौर से। फेमस पर्सनैलिटी रहे, एक दो पॉइंट निकल रहे हैं बस, ज़्यादा इससे और ज़्यादा नहीं जाना अंदर। अगला कौन है? ब्रजराज नारायण, ये ग्वालियर स्टेट से आएंगे। कहाँ से आएंगे? लेफ्टिनेंट कर्नल है, ग्वालियर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में क्या किए गए थे, संविधान सभा में चुने। अब ध्यान रखना, एक ग्वालियर से वो भी गए थे आपके कौन, हाँ, जिन्होंने क्या चलाया था, हाँ, लेकिन वो ग्वालियर रियासत के प्रतिनिधि नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ग्वालियर से चुने गए हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव कौन है, ब्रजराज नारायण है, कौन, लेफ्टिनेंट कर्नल रहे हैं। यहाँ ये इंपॉर्टेंट आदमी, मैंने बताया था कुसुम कांत जैन, गूगल पे यही फोटो है, ओरिजिनल या नहीं मुझे नहीं मालूम, क्या हो गया भैया, गूगल पे यही फोटो दे रहे हैं वो, कुसुम कांत जैन की फोटो आपको यही मिलेगी गूगल पे, अपन गूगल से ढूंढ सकते हैं, और कहाँ से ढूंढेंगे, हाँ उनके साथ भी यही है, हाँ तो ठीक है लो, अब ठीक है, नहीं मिल रहे तो क्या कर सकते हैं। बस इतना याद रखो, कुसुम कांत जैन जो है ना वो सबसे युवा लीडर या सबसे युवा पर्सनैलिटी थे, कहाँ पर आपके पर्सन थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा के सबसे युवा व्यक्ति के रूप में किसका नाम आता है, कुसुम कांत जैन का, ठीक है। झाबुआ रतलाम रियासत दोनों को मिला के इनको भेजा गया था, 28 साल की उम्र में ये संविधान सभा में पहुँच गए। तो मेल और फीमेल दोनों याद रखना, मेल में नाम आएगा किसका, कुसुम कांत जैन का,
जो जाबू और रतलाम से गए हैं, ठीक है। और फीमेल में कौन थी? दच्छायनी बिलायुधन, वो कितनी थी? 32 ईयर्स, ठीक है। तो मेल और फीमेल इनको याद रखना, सबसे युवा यंगेस्ट कौन कौन है? तो कुसुमकांत जैन और दच्छायनी बिलायुधन, ठीक। अगला 48 में, समझना, भारत में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर भी बने थे 48 में। जो आपके पास गवर्नमेंट बनी उसके अंदर सबसे यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर भी कौन थे आपके? कुसुमकांत जैन थे। तो दो याद रखना, ठीक है। तो यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर भी कौन है? कुसुमकांत जैन। और यंगेस्ट पर्सन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी कौन है? कुसुमकांत जैन। बेसिकली झाबुआ से थे, झाबुआ और आपका कौन सा? रतलाम, दोनों रियासत की तरफ से इनको कहाँ गया, भेजा गया था संविधान सभा, ठीक। आ गया राम साय तिवारी, एक दो और बच्चे हैं, बस दो दो तीन दिन फैक्ट निकल रहे थे। राम साय तिवारी कहाँ से आए थे? छतरपुर रियासत। तो छतरपुर रियासत से संविधान सभा में जाने वाले कौन? राम साय तिवारी। रियासत के प्रधानमंत्री भी रहे, रियासत मतलब कौन सी? छतरपुर रियासत के, ठीक है। और 52 और 57 के जो इलेक्शन हुए थे उनमें खजुराहो से क्या थे? ये लोकसभा के लिए चुने गए, 52 और 57। तो 52 और 57 में कहाँ से चुने गए थे? खजुराहो से लोकसभा। ये ज़्यादा याद रखने का पॉइंट नहीं है, बस याद रखना ये कि इनका कनेक्शन कहाँ से। अब रामसभा है तिवारी, ठीक है। अब लास्ट कौन है आपके? गोपी कृष्ण विजयवर्गीय। कहाँ से संबंध है? मध्य भारत के मुख्यमंत्री रहे हैं, संविधान सभा के सदस्य, गुना से। उज्जैन के पंडित सूर्य नारायण व्यास की पुस्तक में भी उल्लेख मिलता है, जिसमें वे कहते हैं कि देश को आज़ाद हुए 3 साल भी नहीं बीते, कुछ लोग अपने आप को वायसराय समझकर सत्ता की कुर्सियों पर बैठ गए। तो इनसे कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें थी, तो उसमें इनका नाम उल्लेख भी मिलता है। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये पूरी लिस्ट हमको मिलती नहीं है, पूरी लिस्टिंग कि एक्चुअल में कितने कितने कहाँ कहाँ से गए। तो कहीं कहीं से अपन कलेक्शन कर करके बना लेते हैं, नाम मिल जाते हैं, कुछ कुछ के नाम नहीं मिलते, इस टाइप की चीज़ें। उस पर भी आपके जो मिलती है क्या नाम है उस पर, लोकसभा पे, लोकसभा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी पूरी लिस्टिंग नहीं दी गई। प्रॉब्लम ये है वो नीचे कुछ लगा के डॉट 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 करके छोड़ देते हैं, तो उससे अपने को पता नहीं चल पाता। PSC क्या करता है, कभी कभी आड़े टेढ़े नाम निकाल के ले आता है, ऐसे ढूंढ के लाएगा कहीं से अंदर से मोती टाइप का, ये आदमी कहाँ से पैदा हो गया, पूरा इतिहास नहीं पढ़ा हमने, इस आदमी का नाम कहीं नहीं मिला हमें, वो इस टाइप से मिल जाएगा। तो ऐसे टाइप के लोग यही है जो एकदम मुर्दा जिंदा हो जाते हैं PSC एग्ज़ाम के अंदर। हाँ कभी कभी हो सकता है वो पेपर में जो पूछा गया वो हो ही नहीं, जैसा एक बार पूछा गया था मांडू का कोई किला पूछा था उन्होंने, और मांडू वो किला था ही नहीं, PSC ने पूछा था और आंसर भी दिया था मांडू, बाद में क्वेश्चन को हटा दिया गया था, है ना। कोई महल वहल पूछा था उन्होंने कि ये महल कहाँ है, पूरे MBA महल ही नहीं था, उन्होंने आंसर दिया मांडू, मांडू टूरिज्म ने मना किया कि भाई साहब यहाँ पे ऐसा कुछ भी, तब जाके उन्होंने मानते नहीं, वो जब गवर्नमेंट ने ही बोल दिया उन्होंने भैया हमारे पास ऐसा कुछ, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, और लास्ट में कौन? बाबा साहेब भीमराव। कहाँ से संबंध था? मऊ। जन्म हुआ, आए कहाँ से थे चुन के? संबंध है इसलिए, ये MP से चुने नहीं गए, MP से चुनने का कोई संबंध नहीं, पहले आए थे कहाँ? पूर्वी बंगाल से। फिर कहाँ से आए थे? मुंबई से, हाँ मुंबई राज्य बोल लो, बम्बई बॉम्बे था, मुंबई राज्य कभी नहीं था, पुणे है ना, पुणे से जयकर को हटा के इनको लाए, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, सब कुछ किया इन्होंने। तो ये थे टोटल मध्य प्रदेश से रिलेटेड वो लोग जो आपके संविधान को बनाने में जिन्होंने क्या किया, अपना महत्वपूर्ण। कुछ फैक्ट एक्स्ट्रा आपके नोट्स में और भी डले, उनको आप रीड आउट कर सकते हो। एक और बचा है शंकर त्र्यंबकर धर्माधिकारी, दादा धर्माधिकारी उपनाम है। लास्ट बैतूल में जन्मे थे, बड़दा में रहने लगे, महाराष्ट्र को अपना कार्य क्षेत्र, तो चूंकि महाराष्ट्र में चले गए इसलिए बहुत ज़्यादा। तो दादा धर्माधिकारी बड़दा महाराष्ट्र में ना, पहले MP में था फिर महाराष्ट्र में हमने दे दिया, जब लेना देना हमारा हुआ 8 जिले दिए थे, कौन से 8 दिए थे याद है? चंदेरी दे दें, हो गए 8, कहाँ हुए सब मिल के कर दो 8 पूरे हो जाएंगे। तो ये मध्य प्रदेश का
संविधान सभा में योगदान। दो दो तीन तीन पॉइंट है, याद कर लेना। और संभावना मुझे ऐसी लगती है कि एक हाथ क्वेश्चन यहाँ से, ठीक। अब इसके बाद अपना संविधान सभा एंड हो जाएगा, क्योंकि अब थोड़ा वो बचेंगे आपके पास, स्वतंत्र भारत का वो जो है स्वतंत्रता वाला जो एक्ट वो पढ़ेंगे अपन। उसके बाद आ जाएंगे सीधे हम फंडामेंटल राइट पे, क्योंकि अगला टॉपिक जो लिखा है अपने सिलेबस में वो सीधा कौन सा है, फंडामेंटल। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम वो कवर करेंगे जो पीएससी ने दिया है सारे टॉपिक्स, फिर अगर समय बचेगा तो फिर आधा जो टॉपिक अपने संविधान में हम काउंट करते हैं, जैसे प्रीएम्बल, प्रस्तावना हो गई, भाग एक हो गया, भाग दो, सिटीजनशिप हो गया, तो ऐसे टॉपिक भी ले लेंगे बाद में। पहले बोलेंगे जो पूरा सिलेबस में लिखा है, और पीएससी सिलेबस से बाहर जाता जो लिखा है उसी से पूछता। फिर भी एक हाथ जाए तो उसके लिए बाद में देखें क्या, नहीं कहाँ है, छोटा सा तो है, पॉलिटिकल तो बहुत छोटा सा है, पॉलिटिकल ज़्यादा बड़े नहीं है, लगभग मान के चलो अगले एक एक महीने में ख़त्म हो जाना है। वो तो करना पड़ेगा, सबसे टफ तो इधर से ही आ रहा है पॉलिटी से, सबसे टफ पोर्शन पॉलिटी का ही आ रहा है इस समय एमपीपीएससी के अंदर। चलिए धन्यवाद।